दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फेल एसडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी TSSC के द्वारा जो परीक्षा शेड्यूल की जा रही हैं, शेड्यूल की जाएंगी, वो जब एजेंसी फाइनलाइज हो जाएगी उसके बाद में सारी परीक्षाएं शेड्यूल की जाएंगी। उससे पहले रिहर्सल चल रहा है यूपी TSSC का। जितने भी भर्तियाँ हैं आने वाले, मतलब परीक्षाएँ होनी हैं, उनके सिलेबस जारी किए जा रहे हैं। ठीक है, आपको देखा ही होगा, दो तीन दिन में मतलब 5-6 भर्ती के सिलेबस जारी कर दिए गए यूपी TSSC के द्वारा। तो आपकी परीक्षाएं शेड्यूल की जाएंगी। पहले यूपी TSSC ने यह कहा था कि हमारी जो परीक्षाएं होंगी अक्टूबर में शुरू हो जाएंगी और जनवरी में ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी परीक्षा अक्टूबर में हो पाएगी। उसका बड़ा रीज़न है क्योंकि परीक्षा एजेंसी के बाद में जब फाइनलाइज होगी परीक्षा एजेंसी, उसको समय देना पड़ता है समझने के लिए, तो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं बहुत सारी, तो उसमें समय लगता है। तो आपकी जो परीक्षा होंगी वो दोस्तों यूपी TSSC की जितनी परीक्षा हैं वो नवंबर से, मान के आप चल सकते हो कि नवंबर से स्टार्टिंग परीक्षाओं की होगी। उससे पहले परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, और जो ऑडिटर वगैरह की परीक्षा लग रही है शायद वही परीक्षाएं हों, क्योंकि BPO की अभी तक फीस नहीं कटी है, और जब तक फीस नहीं कटेगी तब तक परीक्षा का शेड्यूल उसका कैसे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी फीस कटेगी BPO वाली, उसके बाद परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा। और दोस्तों नवंबर के लास्ट में परीक्षा स्टार्ट हो सकती हैं, ये भी मैं समझना शुरुआत में हो जाएंगी, नवंबर अंत में परीक्षा स्टार्ट होंगी। और ये मान लेना कि जो नवंबर के लास्ट में परीक्षा स्टार्ट होगी, दिसंबर जनवरी, ये जनवरी लिखा है, अगर ये फरवरी मार्च तक भी परीक्षाएं सारी निपट जाती हैं, जो पेंडिंग जितनी भी भर्तियां हैं उनकी परीक्षा फरवरी मार्च तक हो जाती हैं, तो नए जो नोटिफिकेशन आएंगे आपकी उनकी परीक्षाएँ जून जुलाई तक अवश्य हो जाएंगी। अगर यही नहीं निपटी जो पुरानी पेंडिंग परीक्षाएँ हैं, अगर वो नहीं निपट पाई तो आने वाली जो भर्तियां होती हैं, आने वाले जो नोटिफिकेशन होते हैं, वो डिले पे डिले होते चले जाते हैं। और आपको मालूम है यूपी TSSC का हाल भी हाल है, 6-6, 8-8 साल लग जाती हैं इसी चक्कर में कि पुरानी भर्ती होती नहीं पाती, नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकल आता है तो उस पर काम नहीं चल पाता है। तो जितनी भी पुरानी भर्तियाँ हैं उनकी अगर परीक्षाएँ फरवरी मार्च तक भी हो गई, तो नई परीक्षाएँ जैसे लेखपाल की आएगी, ENM की आएगी, तो उसकी जो परीक्षा है जून जुलाई में अवश्य हो जाएगी आपकी। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर मई जून में अगर अब पेपर हो जाता है, जो नई वैकेंसी आ रही है तुम्हारी लेखपाल की, तो उसकी ज्वाइनिंग आपको संभवतया दिसंबर 2025 में मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, जो एक अच्छी बात रहेगी, क्योंकि भर्ती निकल जाए और उसके 1-1.5 साल में भर्ती पूरी हो जाए, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। अन्यथा की स्थिति में आपने देखा होगा क्या हाल हुआ पड़ा है यूपी TSSC का, 4-5 साल में भर्तियां पूरी हो रही हैं। ठीक है, तो आपकी जो परीक्षाएं शेड्यूल होंगी वो नवंबर अंत से शेड्यूल होंगी। और बड़ी परीक्षाओं में आपको बता दूं, एक तो सिविल की स्पेशल भर्ती है, वो जो तुम्हारी इंजीनियरिंग की है, उससे तो कोई आपका लेना देना नहीं है। बाद बाकी जो बड़ी भर्तियों में आ रही है वो एक तो जूनियर असिस्टेंट BPO की भर्तियाँ, बड़ी भर्तियाँ हैं जो इनके पेपर आपको, जैसे BPO का पेपर आप दिसंबर में मान के चलिए, और तुम्हारा जो जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्टों का पेपर है, दिसंबर में भी हो सकता है, हो जाए शायद, लेकिन जनवरी में ही होगा पेपर उसका। बड़ी परीक्षा है, बढ़िया मौके से कराएगा। और बाकी बात की छोटी छोटी परीक्षाएँ जैसे ऑडिटर की होगी, दंत चिकित्सक की, टेक्नीशियन और होम्योपैथी वाले की, फार्मासिस्ट की, ये जो तुम्हारी परीक्षा छोटी छोटी परीक्षाएँ हैं वो एक एक दिन में दो दो परीक्षाएँ होंगी। ठीक है, सुबह की पाली में अलग दूसरी परीक्षा, शाम की पाली में अलग परीक्षा, तो ये परीक्षाएँ जल्दी निपट जाएंगी, मतलब 200-250-300 पद हैं वो वाली। बाद बाकी जो बड़ी परीक्षाएँ हैं, ठीक है, जिनमें पद ज़्यादा हैं, वो परीक्षाएँ एकदम से नहीं निपटेंगी, समय लगता है। और इसमें सबसे बड़ी परीक्षा है अभी तक जो पीछे शेड्यूल हुई है वो 5512 जूनियर असिस्टेंट, ये समय लेके करवाएगा। और अच्छी खासी, मतलब बड़ी परीक्षा होती है धांधली होने का डर रहता है, कहीं पेपर लीक हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, इसके चक्कर में बड़ी सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं बड़ी परीक्षा के लिए। तो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा आपको दिसंबर में हो जाए अच्छी बात है, लेकिन दिसंबर में ना होके आपको लग रहा है कि जनवरी में परीक्षा जाएगी, ठीक है, तो थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा। और दूसरा, टाइपिंग जो लगी पड़ी है आपकी जूनियर असिस्टेंट की, बहुत सारे लोग फेडअप हो गए होंगे अब तक तो, कि यार कब से, और मैंने पहले भी बताया था आपको नवंबर से पहले आपकी किसी भी कीमत पर टाइपिंग नहीं होनी, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि टाइपिंग तो जल्दी हो जाएगी, आप ऐसी वीडियो बनाते रहते हो फालतू का, तो टाइपिंग नहीं हो रही है दोस्तों, नवंबर में ही आपकी टाइपिंग शेड्यूल हो सकती है। ठीक है, तो उससे पहले आप उम्मीद भी मत करिए, और टाइपिंग की तैयारी बहुत अच्छी हुई होती है, बात हो गई होगी आपकी, ये भी बात हकीकत है, क्योंकि बहुत समय इसमें मिल गया है। ठीक है, 1262 पोस्ट हैं, और उसके बाद में टाइपिंग हो जाए उसके बाद में हम चर्चा करेंगे इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। बाद बाकी बहुत सारे लोग हैं 1262 में, 15174 लोगों का सेलेक्ट किए गए हैं, शॉर्टलिस्ट किए गए हैं टाइपिंग के लिए, तो बहुत सारे लोग हैं, तो समय लगेगा इसमें भी। ठीक है, तो सारी परीक्षाएं आप नवंबर लास्ट से मान के चलिए, और फरवरी मार्च तक ये जो परीक्षाओं के नोटिफिकेशन आ गए हैं वो सारी परीक्षाएं होने की उम्मीद है। अगर ये सारी परीक्षाएं
हो जाती हैं, तो आपको जो नए नोटिफिकेशन आएंगे तुम्हारा लेखपाल का, ENM का, उसकी परीक्षा भी आपको मई जून या जुलाई में कभी भी देखने को मिल सकती है, और फाइनल हो सकता है आपका दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 तक। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा वीडियो। अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों।